नमस्कार, मैं हसीब खान और आप देख रहे हैं हापड़ न्यूज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र आज लगातार 14वें दिन भी अपने क्रमिक अंतर पर डटे हुए हैं। छात्रों की मांग है कि इस कोरोना काल में परीक्षा न कराई जाए। ऐसे में बिना भेदभाव सभी छात्रों को, चाहे वह प्रथम वर्ष के हों, द्वितीय वर्ष के हों या तृतीय वर्ष के हों, सभी छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाए। छात्रों की मांग है कि जब तक कक्षाएं सुचारू रूप से न चलें तब तक परीक्षा न कराई जाए। इसके अतिरिक्त सभी छात्रावासों, कार्यालयों, सभी विभागों की सफाई और सैनिटाइजेशन की भी मांग छात्रों द्वारा की गई। इसी कहते हैं कि परीक्षा कराएंगे तो उससे लोग अपनी डिग्री लेके जाएंगे, और अगर महोदय अगर परीक्षा देने तो कोई छात्र संक्रमित होता है तो डिग्री दिखाने लायक नहीं बचेगा, तो डिग्री लेके कहां से। छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस तभी चलाई जाएं जब प्रत्येक छात्र को इंटरनेट की व्यवस्था दी जाए। लॉकडाउन के दौरान डेलीगेसी में रहने वाले सभी छात्रों का रूम रेंट माफ कराने की भी मांग की गई। मीडिया से बात करते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी छात्र नेता मसूद अंसारी ने कहा कि क्यों क्रमिक अंतर में बैठे हैं आप सब? देखिए, हम आपको बता दें कि आज हम लोगों का विश्वविद्यालय में 8वां दिन है क्रमिक अंतर का, और हम लोग लगातार बने हुए हैं और जमे हुए हैं क्रमिक अंतर पर, क्योंकि हम लोगों की मांग है छात्रों के हित को लेकर के। क्योंकि जिस वक्त देश के अंदर हर 24 घंटे पे 50,000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलते हैं, और वहीं 750 मृत्यु दर के साथ हमारे देश के अंदर 13 लाख मरीजों की मृत्यु की संख्या हो चुकी है, वहीं पर हमारा देश विश्व का सर्वाधिक कोरोना मरीजों का तीसरे नंबर का देश बन चुका है, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालात में क्या सोच करके ये UGC ने फरमान जारी कर दिया है कि वो परीक्षा कराएंगे। ऐसी स्थिति में परीक्षा कराना विद्यार्थी कर्मचारियों को मौत के मुंह में ढकेलने वाला ये हिटलरशाही फरमान है। हम इसको नकारते हैं और कड़े से कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं, और जब तक ये हिटलरशाही फरमान वापस नहीं हो जाता तब तक हम लोगों का अनवरत ये क्रमिक अनशन चलता रहेगा।